Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले, बहुत ही सिंपल सा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाला है जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट, और ये रहा इसका मोबाइल व्यू। तो मोबाइल व्यू में आप देख सकते हैं सारा कुछ जो है वो परफेक्टली सेट है। तो ये रहा हमारे मोबाइल व्यू का पोर्टफोलियो वेबसाइट, और अभी देख सकते हैं आप हमें नैव लिंक शो नहीं हो रहा है, हैमबर्गर शो हो रहा है उसकी जगह पे। जैसे ही हम हैमबर्गर पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें नैव लिंक्स जो है वो शो हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे आइकन भी चेंज हो चुका है इनटू अ क्रॉस आइकन, तो पीछे ओवरले भी हम लगाएंगे। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेबसाइट होने वाला है, तो बहुत सिंपल होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया so hit that red subscribe button because it really help, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। so without further ado let's get started। जी फ्रेंड्स, मैंने VS Code ओपन कर लिया है। VS Code में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। आपने सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड देन उसको ओपन करना है VS Code में। सिंपल, आप यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे और अपना फोल्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML के लिए, index.html का एक हम फाइल क्रिएट करेंगे CSS के लिए। उसको मैं नाम दे रहा हूँ style.css, एंड मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ images का। मेरे पास एक इमेज है प्रोफाइल का, ये रहा। अगर आपको ये इमेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इजीली इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। बट ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो इसमें आपका इमेज जाएगा, ठीक है। तो इस इमेज को मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। अब हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ index.html में, बट फर्स्टली आई थिंक मुझे इस टैब को यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा ताकि क्लियरली आपको सब कुछ नजर आए। अब index.html में सबसे पहले मुझे मेरा बॉयलर प्लेट कोड चाहिए। इजी, हम क्या करेंगे, सिंपल Shift+1 प्रेस करेंगे, देन एंटर करेंगे, आपको आपका बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बेसिक सेटअप करके फिर स्टार्ट ले लेते हैं जल्दी से। अब स्टाइल शीट तो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, तो टाइटल के टैग के नीचे मैं एक लिंक का टैग लगा लेता हूँ, एंड href के अंदर हम फाइल का नाम डालेंगे style.css। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, एक और चीज़, मैं जो है वो आई थिंक मैं अगर वेबसाइट में देखूँ, सो इफ हाँ, आइकन्स तो हमें चाहिए होंगे, तो हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज करेंगे। तो मैं चलता हूँ ब्राउजर में, एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और हम फॉन्ट ऑसम को लिंक भी करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च बार में सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम CDN, एंटर प्रेस करा, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा CDNJS वाले वेबसाइट का, इसको क्लिक करके आपने ओपन करना है। CDNJS का वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रोल कर देता हूँ और यह आपको फर्स्ट लिंक टैग नजर आ रहा होगा, सबसे टॉप में मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस लिंक टैग को आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना है, एंड देन लेट्स गो टू index.html और स्टाइल शीट को जहाँ पे हमने लिंक कराया था उसके नीचे मैं इसको पेस्ट करूंगा हेड के टैग के अंदर, ठीक है। तो इतना ही करना है। अब हम फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज कर सकते हैं। सो अब एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको ब्राउजर में कैसे ओपन करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक, एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर का, ये देखें ओपन विथ लाइव सर्वर, इस पर क्लिक करना है तो आपका जो HTML फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखें हमारा HTML फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमें URL में मिल रहा है index.html, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैब है उसके अंदर हमें टाइटल मिल रहा है डॉक्यूमेंट। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, अपने सिंपल हेड के टैग के अंदर टाइटल का जो टैग है उसके अंदर आप कंटेंट हटा के, ये डॉक्यूमेंट हटा के आप अपना इसमें डाल सकते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, या आप कुछ और अपना वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, ठीक है, दैट्स टोटली योर चॉइस। अब ये हो गया, चलते ब्राउजर में। अब देखें यहाँ पे टैब के अंदर हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो चेंज हो चुका है, गुड। अच्छा, अब अगर मैं इस बॉडी के टैग के अंदर एक H1 का टैग ले लेता हूँ, एंड उसके अंदर हम ले लेते हैं हेलो फन कोडर्स, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो यहाँ पे देखें हमें टेक्स्ट मिल रहा है, बट एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग मिल रहा है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम। सो ये हम इजिली रिमूव कर सकते हैं स्टाइल शीट में जाके,
एक हम यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे जिसके अंदर हम मार्जिन करेंगे जीरो, साथ में जो पैडिंग है वो करेंगे जीरो एंड देन बॉक्स साइजिंग करेंगे अ बॉर्डर बॉक्स। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए हमारा जो डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है वो रिमूव हो चुका है। क्लियर यहाँ तक। अब मैं एक फॉन्ट अटैच कर लेता हूँ तो ब्राउजर में मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ एंड सर्च बार में हम सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स। एंटर प्रेस करा, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट का, उसको क्लिक करके आपने सिंपल जाना है गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में। तो यहाँ देखिए गूगल फॉन्ट्स वाला वेबसाइट ओपन हो चुका है और सर्च बार में आपको जो भी फॉन्ट चाहिए आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मुझे पॉपिंस चाहिए, मैंने टाइप करा पॉपिंस, तो यहाँ पे देखिए पॉपिंस वाला फॉन्ट आ चुका है। अब इसको गेट कैसे करना है, सिंपल आपने इस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे करना है गेट एम्बेड कोड एंड उसके बाद आपने जाना है इम्पोर्ट में, लिंक में नहीं बल्कि आपने जाने इंपोर्ट में। एंड इंपोर्ट में आप स्टाइल के टैग के अंदर ये जो इंपोर्ट का लिंक है इसको कॉपी करेंगे एंड देन लेट्स गो टू style.css। मैं इस यूनिवर्सल सिलेक्टर को नीचे कर लेता हूँ एंड ऊपर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा हमें, तो सिंपल एक काम करेंगे लेट्स गो टू ब्राउजर एंड नीचे में स्क्रोल करके इसका ये रहा फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, इसको कॉपी करा एंड देन यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको करेंगे पेस्ट एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूं एंड देखिए हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, दैट्स गुड। अब हम एक काम करेंगे, अगर मैं वेबसाइट में देखूं जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं आज, तो इसके अंदर कुछ कलर्स हैं, तो पहले कलर्स बना लेते हैं। ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, ग्रेइश सा कलर और ये येलो सा कलर है, ठीक है। तो ये कलर्स हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम इसको इजीली यूज कर सके। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे मैं एक रूट बना देता हूँ और इस रूट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। तो मैं वेरिएबल जब भी आप बनाए तो डैश डैश आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरिएबल को नाम देना होगा। तो सबसे पहले मैं नाम देता हूँ वाइट डैश clr एंड वाइट कलर क्या है हमारा हैश ff, उसके बाद डैश डैश ब्लैक डैश clr हैश 000, ये ब्लैक कलर आ गया। डैश डैश एक ग्रे सा कलर बना देते, ग्रे डैश clr हैश ec, दिस इज अवर ग्रे कलर एंड देन लास्टली हम एक येलोइश सा कलर बनाएंगे। तो डैश डैश येलो डैश clr हैश f2 bf 31, तो यह हमारा आ गया येलो कलर। तो कलर्स मैंने बना दिए, वेरिएबल्स बना दिए मैंने रूट के अंदर, तो अब हम इन कलर्स को इजीली यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं बॉडी को उठाता हूँ एंड बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, अब हमें कलर लेने की जरूरत नहीं है हैश लगा के, इस तरह एक्स कोड लेने की जरूरत नहीं, हम सिंपल वेरिएबल कर सकते हैं एंड वेरिएबल के अंदर हम लेंगे येलो डैश clr एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए बॉडी के बैकग्राउंड कलर जो है वो बॉडी का चेंज हो चुका है। तो इस तरह से ये जो है वो रूट के अंदर जब आप वेरिएबल्स बनाते हैं तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है, ठीक है, दैट्स गुड। अब हम एक काम करते हैं, इस h1 को मैं रिमूव कर देता हूँ और स्टार्ट ले लेते हैं अपन। तो इस h1 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करूंगा एक मेन का टैग। इस मेन के टैग के अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ एंड इस क्लास को अपन नाम देंगे मेन डैश कंटेनर का, कंटेनर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, मेन कंटेनर मैंने क्लास क्रिएट कर लिया, लेट्स गो टू style.css। इस मेन कंटेनर क्लास को मैं उठा लेता हूँ डॉट मेन डैश कंटेनर। अच्छा, इस मेन कंटेनर क्लास के अंदर अगर मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश clr, तो अभी अगर चलता हूँ ब्राउजर में तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें हाइट हमने पास ही नहीं करा हुआ। तो अगर मैं मिनिमम हाइट लेता हूँ एंड मिनिमम हाइट हम अगर लेते हैं 100 bh का, लेट्स गो टू ब्राउजर, तो देखिए अभी हमें ब्लैक कलर मिल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले इस नेव बार की तरफ, बट
उससे पहले मैं काम करूंगा index.html में, इस मेन के टैग के अंदर मैं काम करूंगा, एक डिफ का टैग लगाऊंगा एंड देन उस डिफ के टैग के अंदर हम एक क्लास पास करेंगे कंटेनर का, एंड इसी कंटेनर को हम जाके उठाएंगे स्टाइल शीट में। बट उससे पहले स्पेलिंग मिस्टेक जरा सही कर दो। ओके अच्छा, लेट्स गो टू style.css एंड अभी अगर मैं उठा लेता हूँ इस कंटेनर क्लास को डॉट कंटेनर, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे विद लग रखता हूँ 85% और बैकग्राउंड इसमें समथिंग हम ले लेते हैं वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सो एक काम करते हैं इसमें अगर हम मिनिमम हाइट ले लेते हैं 100 vh का एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये आ गया हमारा कंटेनर जो कि हमने विद रखा हुआ है 85%। बट एक काम करेंगे इसको सेंटर में लाएंगे ताकि दोनों तरफ से हमें स्पेसिंग मिल जाए। तो उसके लिए हम अपन करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपल मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे एंड देन मार्जिन करेंगे ऑटो एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो आप देखिए हमारे पास ये जो कंटेनर है वो सेंटर में आ चुका है। अब सबसे पहले इसके अंदर हम बनाएंगे नैव बार, तो मैं चलता हूँ index.html में और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले ओपन करूंगा नैव का टैग। इस नैव के टैग के अंदर मैं क्लास पास करूंगा नैव बार का एंड इसके अंदर अपन लेंगे अपना लोगो, तो यहाँ पे एक डिफ का टैग लगाऊंगा एंड डिफ के टैग के साथ हम इसमें क्लास पास करेंगे लोगो का एंड देन यहाँ पे ले लेते हैं अहमद। सबसे पहले इस लोगो को स्टाइल करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे, तो style.css में जाके, बट उससे पहले लेट मी शो यू इन ब्राउजर के कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको जरा स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ डॉट लोगो क्लास को एंड देन लोगो क्लास के अंदर हम सबसे पहले कलर सेट करेंगे, तो मैं कलर ले लेता हूँ वेरिएबल येलो डैश clr एंड देन फॉन्ट साइज अपन इसका सेट करेंगे 1.5 rem का, थोड़ा सा इसको बोल्ड भी बनाना है मुझे, तो बोल्ड के लिए ऑब्वियस सी बात है फॉन्ट वेट का यूज करेंगे प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट करूंगा मैं बोल्ड। ओके लेट्स गो टू ब्राउजर, सो ये आ गया हमारा लोगो। अच्छा एक और चीज अगर मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊं तो ये जो है वो अपर केस में, तो सिंपल हम एक काम करेंगे लोगो क्लास के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे और सॉरी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये आ गया अपर केस में, परफेक्ट हो गया। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लेटर के बीच में स्पेसिंग भी डालना पड़ेगा, तो एक काम करेंगे यहाँ पे लोगो क्लास के अंदर लेटर स्पेसिंग में कर देता हूँ 0.1 rem का। ओके अब मुझे नैव लिंक्स चाहिए तो वो ले लेते हैं, बट उससे पहले मैं जरा हाईलाइट करके दिखाऊं आपको नैव बार क्लास को। सो यहाँ पे नैव बार क्लास उठा लेते हैं एंड उसके अंदर मैं अगर हाइट ले लूँ 14 vh का और इसको बैकग्राउंड अगर मैं आपको देखे दिखाऊं, बैकग्राउंड एक्वा, लेट्स गो टू ब्राउजर, सो दिस इज अवर नैव बार। आप देख सकते हैं ये परफेक्टली सेंटर नहीं है वर्टिकली, तो एक काम करेंगे नैव बार क्लास के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अब देखें ये वर्टिकली जो है वो सेंटर हो चुका है हमारा लोगो। अब मुझे यहाँ पे इस कॉर्नर में नैव लिंक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं जाऊँगा सबसे पहले index.html में और इस लोगो के बाद मैं एक ul का टैग लगा लेता हूँ एंड इसको हम क्लास देंगे नैव लिस्ट का। अब इसके अंदर मैं अलाई का टैग लगाऊंगा, हमेशा जब भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अलाई का टैग ओपन कर दिया, उसके अंदर हम लेंगे एंकर का टैग फॉर क्रिएटिंग लिंक्स और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्लास पास करेंगे नैव लिंक्स का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, होम का, ठीक है। तो अगर मैं आप वेबसाइट में देखूँ होम टोटल कितने, टोटल है 6, तो एक काम करेंगे इसको कॉपी करेंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है, शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, एक तो था
फाइव टाइम और पेस्ट कर दिया, टोटल जो है वो लिंक 6 हो चुका है। अच्छा, अब होम हमारे पास है सबसे पहला लिंक, सेकंड वाला आई थिंक अबाउट है, थर्ड वाला आई थिंक रेज्यूमी, तो थर्ड वाला रेज्यूमे, सर्विसेज प्रोजेक्ट्स कॉन्टेक्ट, तो इसके बाद आ गया सर्विसेज, सर्विसेज प्रोजेक्ट्स, और लास्ट वाला हमारा कॉन्टेक्ट का, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू ब्राउजर, और ये हमारे पास आ गया टोटल, ये तो अच्छा अच्छा एक ऊपर चला गया, तो टोटल हमारे पास 6 लिंक्स आ चुके हैं। बट एक चीज़ आप देख सकते हैं, हमें बुलेट्स मिल रहे हैं, तो बुलेट्स को कैसे रिमूव करेंगे, स्टाइल.डॉट सी एस एस में जाके हम एलआई को उठा के एलआई के अंदर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी करेंगे नन, इससे बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे आपके। ठीक है, और ये अंडरलाइन भी हमें रिमूव करना है, तो अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हम एंकर को उठा के एंकर के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, सिंपल इतना करना है, इससे अंडरलाइंस भी रिमूव हो जाएंगे। अब ये जो नैव लिंक्स है ना, इसको मैंने रो में लेकर आना है, तो इसको मैंने यूएल के टैग के अंदर लगाया, उसको मैंने क्लास दिया था नैव लिस्ट का, तो हम क्या करेंगे, नैव लिस्ट क्लास को इस तरह से उठा के उसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लैक्स, इससे क्या होगा ये रो में आ जाएंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी, तो देखिए रो में आ गए। अब अगर इनके अंदर आपको स्पेसिंग चाहिए लिंक्स के बीच में, तो गैप आप ले सकते हैं 3 रैम का। ठीक है, ठीक है, इनके देखे इनके बीच में हमें अब स्पेसिंग मिल रहा है। अब अगर नैव ये जो लिंक्स हैं इस कॉर्नर में आपको चाहिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, नैव बार वाले क्लास में जाके हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो अब देखें इस कॉर्नर में मिल रहा है। और कलर अगर आपने चेंज करना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, सारे एंकर के अंदर हमने क्या करा था, एक क्लास पास करा था नैव लिंक्स का, तो उस नैव लिंक्स क्लास को उठा के आप कलर चेंज करके वाइट रख सकते हैं, वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर, तो देखिए वाइट कलर में आ गए, परफेक्ट। अच्छा, एक अगर आपने एक्टिव बनाना है ना येलो कलर का, तो आपने क्या करना है, सिंपल अगर आप index.html में जाके जो आपका होम वाला है उसको अगर आप एक क्लास दोगे एक्टिव का, एंड अगर आप style.css में जाके उसी एक्टिव क्लास को उठाओगे एक्टिव, और उसका कलर आप चेंज करके कर दोगे वेरिएबल, वेरिएबल डैश डैश येलो डैश clr रखोगे और चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये अब ऐसा लग रहा है ये एक्टिव है। अब बाकियों को अगर आपने होवर पे कलर चेंज करवाना है, सो हम वो कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आपने सिंपल क्या करना है, डॉट नैव लिंक्स को जब भी हम होवर करेंगे, तो होवर करने पे सिंपल हम कलर चेंज करके कर देंगे वेरिएबल डैश डैश येलो डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब इसका ये एक्टिव है होम वाला, इसको जब आप होवर करोगे तो इसका कलर चेंज होगा। अब पीछे जो एक्वा कलर है बैक नैव बार के, वो अपन रिमूव कर देते हैं, उसकी कोई नीड नहीं है। एंड उसके अलावा अगर हीरो सॉरी हीरो नहीं, हमने कंटेनर क्लास में वो बैकग्राउंड लगाया हुआ है वाइट कलर का, तो कंटेनर में जाके हम बैकग्राउंड वाइट जो है वो रिमूव कर देंगे, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा नैव बार, हमने नैव बार क्रिएट कर लिया है, बट एक चीज हमें ये अंडरलाइन भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर जो हमारा नैव लिंक्स वाला क्लास है ना, अगर इसको मैं उठाऊं और इसके ऊपर अगर मैं लगाऊं सूडो एलिमेंट बिफोर, ठीक है, और अगर इसमें कंटेंट हम उठाएं, ठीक है, कंटेंट मैंने खाली छोड़ दिया है, पोजिशन प्रॉपर्टी करेंगे एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड क्या होगा लाइन का, लाइन का बैकग्राउंड येलो होगा, वेरिएबल डैश डैश येलो डैश clr, एंड विथ कितना होगा लाइन का, विथ रखेंगे 100%, हाइट थोड़ा कम रखेंगे, तो हाइट में ले लेता हूँ 0.1 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो कितना बड़ा हमें लाइन मिल रहा है। तो एक काम करना पड़ेगा हमें,
क्योंकि यहाँ पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा हुआ है, तो नैव लिंक्स में जाके हमें करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, जो नैव लिंक्स है ना इनका थोड़ा सा मैं आई थिंक साइज भी मुझे कम करना चाहिए, तो फॉन्ट साइज अगर मैं ले लूँ 0.9 रैम का और साथ में लेटर स्पेसिंग ले लूँ, और लेटर स्पेसिंग बहुत कम लेंगे 0.08 रैम का। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। ये देखिए लाइंस भी आ गया, अब लेकिन लाइन मुझे नीचे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे इसका जो बॉटम है वो कर दूँ 10 पिक्सल, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर इसको करूँ -10 पिक्सल, ठीक है, तो -10 पिक्सल हमने रख दिया है, एंड लेफ्ट तो जीरो ही होगा, ठीक है, लेफ्ट जीरो, परफेक्ट है। बट मैं काम करूंगा, मैं जब भी होवर करूंगा तब ये मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो एक काम करेंगे हम, नेवलिंग्स वाला क्लास जब भी मेरा होवर होगा तो जो सूडो एलिमेंट बिफोर है उसका तब हम विथ करेंगे 100%, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसका विथ कर देंगे जीरो ताकि नजर नहीं आए अभी लाइंस, तो चलते हैं ब्राउजर में। अभी देखिए लाइंस नजर नहीं आ रहा है, जैसे होवर करते हैं तो अब देखिए हमें लाइन ये शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज करेंगे, ये जो नैव लिंक्स है ना इसका जो हमें इसको अपर केस में भी चेंज करना है, तो यहाँ पे नैव लिंक्स क्लास के अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब जैसे होवर कर रहे हैं तो ये अंडरलाइन बिल्ड है, बट ये स्मूथ, अगर आपने इसको स्मूथली बनाना है ट्रांजिशन के साथ तो नेवलिंग्स के बिफोर में क्या करेंगे, ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे 0.5 सेकंड्स का, इज इन आउट, इज इन आउट, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। देखिए बहुत ही स्मूथ है। अच्छा ये एक्टिव है ना, तो एक्टिव में अंडरलाइन भी होना चाहिए, तो अंडरलाइन को कैसे एक्टिव करवाएंगे, तो अगर यही सिमिलर चीजें यहाँ पे मैं कॉमा से सेपरेट करके डॉट एक्टिव वाले क्लास में लगा दो, एक्टिव क्लास में क्या लगाऊं, स्टूडियो एलिमेंट बिफोर, लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे विद जीरो है, नजर तो अभी भी नहीं आएगा, तो हम सिंपल एक काम करेंगे, विद 100% पे भी कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे डॉट एक्टिव क्लास को उठा के इसके भी ऊपर लगाएंगे स्टूडियो एलिमेंट बिफोर, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए ये वाला एक्टिव हो गया है, एंड बाकियों को आप होवर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर कलर चेंजिंग में भी आप थोड़ा सा इसको जो है वो ट्रांजिशन लगाना चाहते तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। नैव लिंक्स के होवर पे कलर चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्रांजिशन लगाता हूँ 0.5 सेकेंड्स का, इज इन आउट, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, और जैसे ही होवर करता हूँ तो देखें ये इस तरह से हमें कुछ ये ट्रांजिशन मिल रहा है, परफेक्ट यहाँ तक। अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन की तरफ, लेट मी शो यू, बट हीरो सेक्शन से पहले आई थिंक हमें हैमबर्गर लगा देना चाहिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं हीरो सेक्शन की तरफ। तो index.html में जाके ये जो मैंने यू एल लगाया था ना, इसके बाद मैं क्या करूँगी, यू एल का जो क्लोजिंग टैग है इसके नीचे मैं एक डिफ का टैग लगा लेता हूँ, डिफ का नहीं बल्कि एंकर ही ले लेते हैं। एंकर के अंदर मैं एक यहाँ पे क्लास पास करूँगा हैमबर्गर का, और इसके अंदर अपन रखेंगे क्या, अपना जो हैमबर्गर है उसका आइकन। तो चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे फॉन्ट ऑसम ऑलरेडी मैं लिंक करवा चुका हूँ, तो सिंपल हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, तो यहाँ पे सर्च में करूंगा फॉन्ट ऑसम, एंटर प्रेस करा और ये फर्स्ट लिंक आ गया फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट का, इसको ओपन करना है। आइकन्स पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल मैं सर्च करूंगा हैमबर्गर, एंटर प्रेस करा, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये वाला चाहिए बार्स वाला, इसको मैं ओपन कर लूंगा। ये रहा इसका HTML, इसको कॉपी करेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, एंड देन
यहाँ पे एंकर के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी तो नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा नज़र आ रहा है, मैंने समझा ब्लैक कलर का होता है बट ये अच्छा, क्योंकि हमने इसको वैसे तो होता आइकन ब्लैक में ही है, इसको हमने एंकर के अंदर रखा हुआ है, दैट्स वाई ये लिंक के फॉर्म में इस तरह का कलर दे रहा है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे इस क्लास का यूज़ करके, एफ ए बार्स का। सो लेट्स गो टू स्टाइल डॉट सी एस एस एंड नीचे स्क्रोल करके यहाँ पे अपन उठा लेते हैं डॉट एफ ए डैश बार्स वाला क्लास। एंड इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, फॉन्ट साइज डालेंगे सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फॉन्ट साइज लेंगे 1.7 रैम का एंड देन कलर चेंज करेंगे, कलर रख देंगे वेरिएबल डैश डैश वाइट डैश सी एल आर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। परफेक्ट, ये आ गया हमारा हैमबर्गर। बट अभी हमें नहीं चाहिए, मोबाइल वर्जन में हम इसको शो करवाना है, तो सिंपल हम हैमबर्गर वाले क्लास को उठाएंगे और यहाँ पे अच्छा मैं कर्सर नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये लिंक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ओवर कर रहे हैं तो कर्सर पॉइंटर ही मिल रहा है। तो हम सिंपल हैमबर्गर क्लास में क्या करेंगे, डिस्प्ले करूँगा मैं नन, अभी शो नहीं करवाएंगे। ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम बढ़ते हैं अच्छा मैं इस फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ एंड अभी हमें चाहिए होगा है हीरो सेक्शन में भी हमें जाना पड़ेगा, तो index.html में जाके यहाँ तक नेफ जो क्लोजिंग टैग है नेफ का वो हमारा यहाँ से हमने बाहर निकलना है। ठीक है, क्योंकि नेफ बार कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एक सेक्शन का टैग लगाएंगे एंड सेक्शन के टैग के अंदर अपन क्लास पास करेंगे हीरो सेक्शन का, हीरो डैश सेक्शन। एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा डॉट कंटेंट, एक डिव मैंने कंटेंट का ले लिया और एक लूंगा इमेज कंटेनर का, इमेज डैश कंटेनर। अच्छा इमेज कंटेनर के अंदर सिंपल क्या जाएगा, इमेज ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ इमेज का टैग लगा के, src के अंदर फोल्डर का नाम इमेजेस एंड फॉरवर्ड स्लैश और इमेज का नाम क्या है प्रोफाइल इमेज डॉट png। अच्छा अल्ट के अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोफाइल इमेज। अल्ट क्या होता है, अगर आपका कोई रीजन से इमेज लोड नहीं होता, ठीक है, तो आपका ये शो हो जाएगा प्रोफाइल इमेज वाला टेक्स्ट। ठीक है एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो देखिए इमेज आ गया लेकिन इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एक काम करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके अपन जो है वो इमेज को उठा के इमेज के अंदर दो चीजें करेंगे, एक तो मैक्स विड्थ इसका मैं रखूंगा 100% एंड हाइट इसका करेंगे ऑटो, दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, अब इमेज का साइज परफेक्ट है। अगर आपने अपने हिसाब से इमेज को साइज देना है, ठीक है, अब देखें जितना भी कंटेनर का साइज होगा उस हिसाब से आपका इमेज अब साइज ले लेगा बाय यूजिंग बाय पुटिंग दीज टू प्रॉपर्टीज इन इमेज। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हमें अपने हिसाब से इमेज को साइज देना है तो मैं कंटेनर इमेज के इमेज जिस कंटेनर के अंदर है उसको उठाऊंगा। इमेज किसके अंदर है, इमेज कंटेनर क्लास के अंदर। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हम उठाएंगे डॉट इमेज कंटेनर वाले क्लास को इमेज डैश कंटेनर एंड इसके अंदर मैं विड्थ ले लेता हूँ 24 रैम का एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखें अब मैंने 24 रैम रखा हुआ है तो उस हिसाब से इमेज ने साइज ले लिया, परफेक्ट है, लुकिंग गुड। अब अगर इस इमेज के पीछे आपने जो है वो ये वाला, अगर हमने ये येलो कलर का जो शेप है ये लगाना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सूडो एलिमेंट। तो इस इमेज कंटेनर के ऊपर मैं सूडो एलिमेंट लगा देता हूँ बिफोर, और सबसे पहले लेंगे कंटेंट, कंटेंट खाली छोड़ दूंगा, पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट। अच्छा यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट करा है तो इमेज कंटेनर में जाके हमें पोजीशन करना पड़ेगा रिलेटिव, बाकी इसका सारा साइज का खेल है। तो साइज में नहीं दूंगा मैं, सिंपल इंसर्ट करूंगा 0 ताकि जो भी कंटेनर का साइज है उस हिसाब से लेगा। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा वैसे तो क्योंकि बैकग्राउंड में हमने कलर ही नहीं दिया हुआ, तो बैकग्राउंड हम देंगे वेरिएबल डैश डैश येलो डैश सी एल आर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। ये आ गया,
अब इसको राउंडेड बनाना है कॉर्नर से, तो हम बॉर्डर रेडियस करेंगे 50%। चलते ब्राउजर में, ये आ गया शेप। बट एक चीज, इसको हमने पीछे ले जाना है इमेज के, तो वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जेड इंडेक्स करेंगे -1 एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अब तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, ये इस ब्लैक कलर का जो ये कंटेनर है मेन, इसके भी पीछे जा चुका है। तो हम एक काम करेंगे, हम हीरो सेक्शन हमने बनाया हुआ है नहीं, तो हमें हीरो सेक्शन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स टेक हीरो डैश सेक्शन क्लास, और हीरो सेक्शन के अंदर अगर मैं आइसोलेशन प्रॉपर्टी करूं आइसोलेट, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखिए अब हमें शेप यहाँ पे शो हो रहा है। बाकी अगर इसको रोटेट आपने करवाना है इस तरह का लुक देने के लिए, तो हम सिंपल एक काम करेंगे, इमेज कंटेनर बिफोर में हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे रोटेट, एंड इसको रोटेट में करवाऊंगा 60 डिग्री में। लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, ये आ गया आपका इमेज के बैकग्राउंड का शेप, परफेक्ट। आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे नीचे से, अगर आप इमेज देखें बिल्कुल कट, ये बिल्कुल परफेक्टली नजर आ रहा है, एंड दैट्स नॉट लुकिंग गुड। अगर यहाँ वेबसाइट में देखें तो ये कुछ आपको नीचे ये फेड नजर आ रहा होगा। तो ये हम बना लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए ये कैसे बनाएंगे, ये हम करेंगे इमेज कंटेनर के ऊपर ही हम सूडो एलिमेंट लगाएंगे आफ्टर। ठीक है, उससे हमें ये गेट हो जाएगा। तो सूडो एलिमेंट आफ्टर पे सबसे पहले हम लेंगे कंटेंट, कंटेंट खाली छोड़ देंगे, और पोजीशन हमें करना पड़ेगा, तो पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। एंड बैकग्राउंड क्या होगा, बैकग्राउंड अभी के लिए मैं रेड ले लेता हूँ, और इसके अलावा हाइट में ले लेता हूँ लेट्स गो विद 6 फ्रेम, एंड विथ में रख लेता हूँ 100%, विथ में परफेक्टली चाहिए। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये रहा, बट ये मुझे यहाँ पे चाहिए, तो इसको कैसे सेट करेंगे? अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर हम लेफ्ट 0 करके बॉटम भी 0 कर दें, लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे देखें सेट हो गया। अब इसको हम किस तरह से ब्लर बनाएंगे, तो इस कलर के बजाय, सॉलिड कलर के बजाय हम इसमें लीनियर ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में रेड के बजाय अब क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में एक कलर हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे ऊपर वाला, तो टॉप वाला कलर ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, और दूसरा वाला कलर हम वेरिएबल लेंगे डैश डैश ब्लैक डैश येलो, और इसको हम रखेंगे 80%। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, नीचे से देखें ऐसा लग रहा है फेड हो रहा है, अब परफेक्ट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इमेज का तो सारा काम हो गया, शेप भी बना लिया, नीचे का फेड भी बना दिया है। अब हम इसके अंदर हीरो सेक्शन के अंदर डालेंगे कॉन्टेंट, कॉन्टेंट का डिव ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, तो इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं एक H4 का टैग ले लेता हूँ। इस H4 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लूंगा हेलो। लेट्स गो टू style.css, पहले इसको स्टाइल करेंगे। H4 को हम उठा के क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कलर में चेंज कर दूंगा, कलर में कर दूंगा वेरिएबल डैश डैश येलो डैश clr, ओके। और फॉन्ट साइज तो परफेक्ट है आई थिंक, ओके फॉन्ट साइज ले लेते हैं थोड़ा 1.1 रैम का। लेट्स सी कैसे लग रहा है, ये आ गया। अच्छा, ये कॉलम में आ रहा है, इसको अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो मैं हीरो सेक्शन में क्या करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, तो ये रो में आ जाएगा। डिस्प्ले करूंगा फ्लेक्स, एंड देन अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। लेट्स गो टू ब्राउजर, अब परफेक्ट है। अच्छा, इनके बीच में अगर हम गैप ले लें, गैप में ले लूं, लेट्स गो विद 10 रैम, आई थिंक कम लग रहा है। अच्छा, अगर मैं ले लूं
13 RAM का। ओके आप ये तो आ गया। इसको मैं पहले तो फॉन्ट वेट इसका 500 करूंगा, फॉन्ट वेट करेंगे H4 का 500, एंड देन उसके बाद हम इसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको अपर केस में चेंज करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है अच्छा, लेटर स्पेसिंग आई थिंक थोड़ा बहुत जाना चाहिए, तो लेटर स्पेसिंग में ले लेता हूँ 0.2 RAM का। अच्छा ये अगर मैं ले लूँ 600 फॉन्ट वेट, आई थिंक 500 ही ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको करेंगे 500, एंड देन लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इस H4 के नीचे भी मुझे H1 चाहिए होगा, H1 को उठा के इसके अंदर मैं डालूंगा आई एम, QJ अहमद। अच्छा एक चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका कलर चेंज है QJ अहमद का, तो इसको मैं रखूंगा एक स्पैन के टैग के अंदर। तो यहाँ पे एक स्पैन का टैग लगा लेते हैं, एंड इस QJ अहमद को कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको स्पैन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है ये H1 आ गया। नीचे में एक पैराग्राफ मुझे चाहिए होगा, तो P का टैग लगा के इसके अंदर मैं लॉरम लूंगा 20। ठीक है इसने मुझे डमी टेक्स्ट ला के दे दिया है 20 वर्ड्स का। तो लेट्स गो टू ब्राउजर, एंड अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बिकॉज टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक में, तो हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। चलते हैं इंडेक्स स्टाइल डॉट सी एस एस में, और H4 के नीचे मैं सबसे पहले उठाऊंगा H1 को। H1 का जो कलर है वो अपन रखेंगे वेरिएबल डेश डेश वाइटिश CLR, एंड इसका फॉन्ट साइज अपन रखेंगे 4 RAM। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके अच्छा अभी QJ अहमद का कलर चेंज करना है, तो स्पेन को उठा के स्पेन का जो कलर है वो अपन रखेंगे वेरिएबल डेश डेश येलो डेश CLR, दैट्स गुड। अच्छा अभी मैं उठाऊंगा पैराग्राफ को, पी का टैग हमने सेलेक्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले मैक्स विड्थ सेट करूंगा। मैक्स विड्थ रखूंगा 400 पिक्सल का, एंड उसके अलावा हम कलर चेंज करेंगे टेक्स्ट का, कलर रखेंगे वेरिएबल डेश डेश ग्रेडिश CLR, थोड़ा सा फॉन्ट साइज आई थिंक फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.95 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। अच्छा आई थिंक मुझे पैराग्राफ का मैक्स भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, 500 ले लें अगर। ओके थोड़ा आई थिंक लाइन हाइट भी डाल दूं मैं तो सही रहेगा, और थोड़ा लेटर स्पेसिंग, तो लाइन हाइट में ले लेता हूँ 1.6 RAM का। ओके आई थिंक लेटर स्पेसिंग नहीं डालते, सही है। ओके तो ये हमारा आ गया टेक्स्ट। अब नीचे में दो बटन्स चाहिए होंगे, ये देखें एक हायर मी का और दूसरा माय वर्क का। तो चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, और पैराग्राफ के नीचे मैं एक पहले बटन कंटेनर बनाऊंगा। तो इस पैराग्राफ के नीचे मैं एक डिफ का टैग लगा लेता हूँ, एंड इस डिफ के टैग के अंदर एक क्लास पास करेंगे btn डैश कंटेनर का। इस btn कंटेनर क्लास के अंदर मैं दो बटन लूंगा, ठीक है दो बटन के टैग लेंगे, बटन स्टैटिक करेंगे टू, तो ये आपको दो बटन के टैग ला के दे देगा। एंड पहला वाला जो बटन है वो है हायर मी का, एंड दूसरा वाला जो बटन है लेट मी सी माय वर्क्स का, तो ये हो गया माय वर्क्स। ओके अच्छा ये जो सेकंड वाला बटन है ना ये बॉर्डर बटन है, तो इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे बॉर्डर बटन का बॉर्डर डैश btn। लेट्स गो टू स्टाइल डॉट css और बटन को स्टाइल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट विड्थ
btn dash container वाले क्लास को पहले, डिस्प्ले करेंगे फ्लैक्स और गैप में डालूंगा 1 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, 2 बटन आ गए। अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप डाल दूं, मार्जिन टॉप ले लो 2 RAM का, गुड। आई थिंक गैप 1.5 RAM, ओके। अब हम बटन्स को स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा, बटन, बटन का जो बैकग्राउंड है वो अपन रखेंगे वेरिएबल डैश डैश येलो डैश CLR। बटन के अंदर जो फॉन्ट साइज जाएगा वो हम रखेंगे 0.9 RAM का, और साथ में बॉर्डर एक रखेंगे बटन के अंदर 0.1 RAM का सॉलिड। कलर येलो होगा बॉर्डर का, डैश डैश येलो डैश CLR। ठीक है, लेट्स सी किस तरह से दिख रहा है। अब थोड़ा सा साइज बढ़ा देते बटन का, पैडिंग अप्लाई करके। पैडिंग लेंगे टॉप एंड बॉटम 0.7 RAM का, एंड राइट एंड लेफ्ट ले लेते हैं 1.8 RAM का। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब इसको राउंडेड बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे, एंड बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 5 RAM का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब इसको अगर हमने, बटन तो रेडी है, इसको हमने अगर बॉर्डर बटन बनाना है, बट उससे पहले अगर मुझे कर्सर पॉइंटर चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा कर्सर प्रॉपर्टी, एंड कर्सर करेंगे पॉइंटर। अच्छा, अब हम क्लास उठा लेते हैं बॉर्डर बटन वाला, डॉट बॉर्डर डैश btn। उसका जो बैकग्राउंड है वो हम कर देंगे वेरिएबल, नहीं नहीं ट्रांसपेरेंट रखेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज करके वाइट कर देंगे, तो कलर में चेंज करके करूंगा वाइट, गुड। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब होवर करने पे अगर इसका मैंने बैकग्राउंड जो है वो येलो रखना है, तो सिंपल डॉट बॉर्डर बटन को उठाएंगे, बॉर्डर डैश btn, एंड इसका बैकग्राउंड सिंपल हम क्या करेंगे, वेरिएबल डैश डैश येलो डैश CLR। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया कि बॉर्डर बटन जब होवर होगा तब हमने इसका कलर चेंज करना। अब चलते हैं ब्राउजर में, और जब भी इसको होवर करेंगे तो इस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, और साथ में टेक्स्ट का भी चेंज करवा देंगे कलर। तो कलर में कर दूंगा वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश CLR। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब जैसे होवर करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, एंड देन बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो रहा है, परफेक्ट यहाँ तक। अब आई थिंक मुझे पैराग्राफ के टॉप एंड बॉटम से मार्जिन डालना चाहिए, बहुत चिपका हुआ है ये H1 से। तो ऊपर में जाऊंगा पैराग्राफ के अंदर, एंड यहाँ पे मार्जिन ब्लॉक डाल दूंगा, मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी, एंड मार्जिन ब्लॉक, ओके। मार्जिन ब्लॉक लेंगे 1 RAM का, ज्यादा नहीं, परफेक्ट। तो रेडी हो गया हमारा वेबसाइट कंप्लीट यहाँ तक। तो लेट मी सी, बट एक नज़र दौड़ा देते हैं कि कंप्लीट है या नहीं, परफेक्ट। तो हमारा वेबसाइट रेडी हो गया, अब हम चलेंगे इसके मोबाइल वर्जन की तरफ। तो फाइनल लुक ये है हमारा वेबसाइट का। अब हम इसको कराएंगे रिस्पॉन्सिव। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं स्क्रीन के साइज़ को कम कर देता हूँ। तो देखिए मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो हम चीज़ों को सेट करेंगे, बहुत ईजी है। रिस्पॉन्सिवनेस इज ईजी, मीडिया क्यूरीज का यूज करके आप किसी भी वेबसाइट को ईजिली आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे स्टाइलिंग मेरा ख़त्म होता है उसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैं कमेंट पास कर देता हूँ मीडिया क्यूरीज का, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ कमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से। अब मैंने इसके नीचे ले लिया एट, जब भी आप मीडिया क्यूरीज राइट करें सबसे पहले एट मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे आपने जो भी स्क्रीन के साइज में चीज़ों को सेट करना है वो यहाँ पे आपने उसका विड्थ डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैक्स विड्थ,
और मैं साइज रखूंगा 680 पिक्सल का। 680 जब भी स्क्रीन का साइज होगा तो उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज अभी जो मैं अप्लाई करूंगा वो मैं अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ 680 पिक्सल पे। तो सबसे पहले तो क्या करने की ज़रूरत है, ये जो नैव लिंक्स हैं ये मुझे शो नहीं करवाने, अभी इस तरीके से तो शो नहीं करवाने बिल्कुल भी। तो हम क्या करेंगे, नैव लिस्ट हम करेंगे। नैव लिंक्स में हम करेंगे डिस्प्ले, और इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे नन, ठीक है। एंड ओके, अब ये डिस्प्ले नन हो गया है, हमने हैमबर्गर शो करवाना है तो डॉट हैमबर्गर। हैमबर्गर क्लास के अंदर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे ब्लॉक, ताकि हमें जो हैमबर्गर है वो शो हो जाए। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए हैमबर्गर हमें शो हो रहा है। बट एक चीज़ देखना चाहूँगा कि हीरो सेक्शन का एक्चुअली साइज क्या है। तो ऊपर मैं स्क्रॉल करके हीरो सेक्शन में जाता हूँ, ये रहा हीरो सेक्शन, और हीरो सेक्शन में अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लूँ रेड कलर का, लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये हीरो सेक्शन का साइज है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि ये परफेक्टली स्क्रीन का जो फुल साइज है उसके साथ ये इतना ही साइज ले। तो यहाँ पे मैं मिनिमम हाइट ले लेता हूँ, एंड मिनिमम हाइट हम लेंगे, कैल का फंक्शन लगाएंगे, एंड इसके अंदर में जो टोटल हमारा साइज है मेन कंटेनर का 100 VH है, उसमें से हम माइनस करेंगे नैव बार का 14 VH। तो ये इस तरह से कुछ फुल साइज ले लेगा, ठीक है। बाकी ये जो ओवरले लगा हुआ है, ठीक है, ये जो पेड़ हमने लगाया हुआ है ये अपने इमेज कंटेनर के हिसाब से बॉटम जीरो है, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो रेड है उसको हम रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रेड हमने रिमूव कर दिया, नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और चलते हैं मीडिया क्यूरीज की तरफ। तो अच्छा, ब्राउजर में स्क्रीन का साइज में कम कर दूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नैव लिंक्स शो नहीं हो रहा है, उसकी जगह पे हमें हैमबर्गर शो हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन की तरफ चलते हैं और हीरो सेक्शन वाले क्लास को उठा के उसके अंदर जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको अभी हम करेंगे मोबाइल वर्जन में कॉलम। लेट्स गो टू ब्राउजर, अब देखें कॉलम में आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इस H1 को सबसे पहले मैं साइज दे देता हूँ। तो हीरो सेक्शन के बाद मैं H1 को उठा के H1 के अंदर फॉन्ट साइज डाल देता हूँ 3.3 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। अच्छा एक चीज, मुझे यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन टॉप डालना पड़ेगा हीरो सेक्शन के। तो हीरो सेक्शन में अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम के बाद मार्जिन टॉप अगर मैं डाल दूँ 2 रैम का, और चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ऊपर से स्पेस मिल रहा है 2 रैम का। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है और ये इमेज है इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करेंगे, हम हीरो सेक्शन में मार्जिन टॉप के बाद यहाँ पे गैप डालेंगे 2 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अब देखें ये इमेज ऊपर आ गया, एंड दैट्स लुकिंग गुड नाउ। अब थोड़ा सा इस इमेज को हम साइज देंगे, सेट करेंगे, थोड़ा सा साइज हम इसका कम करेंगे। तो इमेज हमारा कहाँ पे, इमेज कंटेनर क्लास के अंदर है। तो हम इमेज कंटेनर क्लास को उठा के इसके अंदर हम विड्थ सेट कर देंगे 18 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, ओके। इमेज का साइज तो सही हो गया है, अब इस शेप का साइज मुझे थोड़ा सा आई थिंक कम करना पड़ेगा, या अलग थोड़ा सा शेप को हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो मैं शेप हमने किससे बनाया था, इमेज कंटेनर बिफोर से, तो इमेज कंटेनर बिफोर को उठा के उसके अंदर हम विड्थ ले लेंगे 18 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर, और हाइट अगर मैं ले लूं, हाइट 24 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर, ओके।
तो आप देखिए इस तरह का हमें शेप मिल रहा है, गुड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ परफेक्टली सेट हो गया है मोबाइल वर्जन में। अब हमने क्या करना है, सिर्फ नैव लिंक्स को शो करवाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम नैव लिस्ट, अच्छा नैव लिंक्स को शो करवाना है, जो कि किसके अंदर है, नैव लिस्ट के अंदर। नैव लिस्ट अभी हमने डिस्प्ले नन करा हुआ है, तो इसको डिस्प्ले नन को हटा के अब इसको सेट करेंगे किस तरह से हमें दिखाना। तो ये देखिए अभी हमें नैव लिंक शो हो रहा है, तो हम इसको सबसे पहले कॉलम में ले आएंगे। तो इसका फ्लेक्स डायरेक्शन सबसे पहले चेंज करेंगे कॉलम में, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखें कॉलम में आ गया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता है। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड लेके बैकग्राउंड कर दूंगा वेरिएबल डैश डैश येलो डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब पोजीशन करेंगे इसमें एब्सोल्यूट, ठीक है, और टॉप में ले लेता हूँ 15% का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में मुझे इसको परफेक्टली सेंटर करना है लेफ्ट एंड राइट से। तो एक काम करेंगे, टॉप हमने 15% कर दिया है, लेफ्ट में इसको लूंगा 50%। इस तरह से सेंटर हो जाएगा दो प्रॉपर्टीज से, लेफ्ट 50% एंड देन ट्रांसफॉर्म करेंगे अपन ट्रांसलेट, एंड ट्रांसलेट में करूंगा एक्स एक्सिस का -50%। आप देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेंटर है, लेकिन ये टेक्स्ट के, ये जो हीरो सेक्शन का जो टेक्स्ट है ना, इसके पीछे कंटेंट के। तो यहाँ पे हम इसका जेड इंडेक्स करेंगे 4, ताकि ऊपर आ जाए। ओके, अब हम देखें इंटरेक्शन कर सकते हैं लिंक्स के साथ, गुड। बट ये जो एक्टिव हुआ हुआ है ना, वो येलो कलर में, दैट्स वाई नजर नहीं आ रहा होम। बट उससे पहले हम इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देते हैं, नैव लिस्ट का विड्थ रखेंगे 20 रैम का, एंड टॉप एंड बॉटम से पैडिंग डाल देंगे, पैडिंग ब्लॉक, इट्स अ लॉजिकल प्रॉपर्टी फॉर टॉप एंड बॉटम पैडिंग। तो पैडिंग ब्लॉक कर दूंगा मैं इसमें 3 रैम का, ज़्यादा नहीं लेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अच्छा ये सेंटर नहीं है, सो अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम कर दिया है, और जस्टिफाई कॉन्टेंट करूँ सेंटर, अच्छा अगर ऊपर जाके मैं ये जो नैप लिस्ट है, लेट मी सी वहां पे कुछ हमने करा हुआ है। अच्छा नैप लिस्ट में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करा हुआ है, यहाँ पे हम अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट, गुड हो गया। ओके परफेक्ट है यहाँ तक, अभी हमें शो हो रहा है। अब हमें एक्टिव का कलर चेंज करेंगे और लिंक्स का भी। तो डॉट एक्टिव क्लास को उठा के एक्टिव क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कलर लिंक्स का चेंज करके कर देंगे वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, कोर पे भी हमने इसको ब्लैक करवाना है। तो नैव लिंक्स का जो कलर है वो भी हम करेंगे कलर वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश clr, ठीक है। सारे यहाँ पे देखे कलर चेंज हो गए, एंड होर पे भी यही सेम चीज करना है। तो नैव लिंक्स डैश एक्टिव, लेट्स गो टू ब्राउजर, अच्छा एक्टिव नहीं सॉरी, नैव लिंक्स के होर पे भी हम कलर ब्लैक रखेंगे। तो यहाँ पे मैं करूंगा होर, लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा आप हमें अंडरलाइन शो नहीं हो रहे क्योंकि कलर येलो अंडरलाइन का भी, तो हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ डॉट एक्टिव के ऊपर सूडो एलिमेंट बिफोर, अच्छा बिफोर लगाया था ना, और उस पर हम कलर क्या करेंगे, नहीं कलर नहीं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कर देंगे वेरिएबल डैश डैश ब्लैक डैश clr, लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके देखिए एक्टिव हो गया। अब होवर पे भी हमने जिस भी लिंक को ओवर करेंगे तो हमें अंडरलाइन चाहिए ब्लैक कलर में, तो यही सेम चीज हम कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे उठाएंगे डॉट नैव लिंक्स
और नैव लिंक्स के बिफोर में भी हम बैकग्राउंड कलर क्या कर रहे हैं, ब्लैक। लेट्स गो टू ब्राउजर नाउ और जैसे होवर करते हैं तो देखिए हमें ब्लैक कलर मिल रहा है, परफेक्ट। अच्छा ये कुछ मज़ा नहीं दे रहा क्योंकि ये नैव लिंक्स इस तरह से शो होंगे हमें जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे व्हेन वी गो टू जावा स्क्रिप्ट, तो पीछे हमें एक ओवरले चाहिए होगा ताकि जब भी ये शो होंगे नैव लिंक्स तो पीछे ओवरले होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे index.html में जाके जो हमारा मेन का ये जो टैग है ना क्लोजिंग, इसके ऊपर ठीक है यहाँ पे मैं एक डेफ का टैग लगा लेता हूँ एंड इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे ओवरले का एंड चलते हैं style.css में मीडिया क्यूरीज के बाहर जाके वहां पे हम ओवरले क्लास को सबसे पहले उठाएंगे। यहाँ पे मैंने उठा लिया ओवरले क्लास को, ओवरले क्लास में पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा रिलेटिव किसके करेंगे, रिलेटिव अपन करेंगे इसको मेन कंटेनर के, तो मेन कंटेनर के अंदर पोजीशन कर दूंगा रिलेटिव। बाकी अभी बैकग्राउंड वगैरह सेट करना पड़ेगा ओवरले का, तो अभी के लिए हम बैकग्राउंड करेंगे इसका ब्लैक। अच्छा हमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बिल्कुल सेंटर चाहिए तो इंसर्ट करेंगे 0। लेट्स गो टू ब्राउजर, ये आ गया ब्लैक कलर। अगर मुझे हैमबर्गर जो टॉप में चाहिए, हैमबर्गर नजर भी नहीं आ रहा, तो अगर यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स करूँ 3 और हैमबर्गर में जाके कहाँ गया हैमबर्गर, ये रहा हैमबर्गर में जाके अगर मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स करूँ 4, लेट्स गो टू ब्राउजर, परफेक्ट। अब ये नज़र आ रहा है हमें एंड ये रहा ओवरले। ओवरले का हम बैकग्राउंड को जिस तरह से रखेंगे नहीं बिकॉज इसको थोड़ा सा लाइटर बनाएंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें ओपेसिटी एंड ओपेसिटी इसका कर देंगे 0.6। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो फिर कुछ इस तरह से दिखेगा बट अभी नहीं, जब हम क्लिक करवाएंगे तब। तो अभी के लिए इसका ओपेसिटी हम ओवरले का 0 रखेंगे, तो देखिए नज़र नहीं आएगा अभी। अब लेकिन एक काम, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि इसके साथ हम इंटरेक्शन भी नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो मौजूद है इधर ही, बस उसको ओपेसिटी 0 हुआ लेकिन वो डेव यहीं पे ओवरले वाला। तो उसके लिए हम विजिबिलिटी इसका कर देंगे हिडन, अभी के लिए हाइड हो जाए, बाद में हम इसको मीडिया क्यूरीज में जो है वो करवा देंगे शो। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे डॉट ओवरले एक्टिव के नाम से क्लास बना देता हूँ और इसके अंदर हम इसकी ओपेसिटी, इसका ओपेसिटी कर देंगे 0.6 एंड विजिबिलिटी कर देंगे विजिबल, ताकि फिर शो हो जाए जब हम इसको जावास्क्रिप्ट से एक्टिव करेंगे। और इसी तरीके से अभी अगर मुझे नैव लिंक्स, नैव लिस्ट को पूरा हाइड करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे अगर इसको कर दूँ -100, लेफ्ट -100% कर दूँ तो ये लेफ्ट में जा चुका है, अभी नज़र नहीं आ रहा। एक्टिव क्लास में हम इसको शो करवाएंगे डॉट नैव लिस्ट डैश एक्टिव क्लास हमने बना दिया, इसमें हम इसका लेफ्ट करेंगे 50%, ठीक है। तो ये वाला जो क्लास है नैव लिस्ट एक्टिव वाला और दूसरा क्लास कौन सा है, ये ओवरले एक्टिव, इन दोनों को हम जावास्क्रिप्ट से एक्टिव करेंगे। किस तरीके से, तो मैं काम करता हूँ एक फाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए script.js का। अब हमें इस script.js को सबसे पहले करवाना पड़ेगा लिंक, तो इसको लिंक करवाएंगे index.html में। तो index.html में जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ एंड इसके अंदर हम पास करेंगे src एंड इसके अंदर जाएगा script.js फाइल का नाम, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे जो है वो जिस जिस चीज़ों को मतलब यूज़ करेंगे हम जावास्क्रिप्ट में, उसके अंदर हम आईडी पास कर देंगे। तो हैमबर्गर जो है वो क्लिक होने वाला है, तो हैमबर्गर पे हम एक आईडी पास करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ गया हैमबर्गर, यहाँ पे मैं एक हैमबर्गर के अंदर आईडी पास कर दूंगा हैमबर्गर के नाम से,
लेट्स गो टू स्क्रिप्ट डॉट जी एस और पहले पहले इसी हम हैमबर्गर को उठाएंगे। तो मैं सबसे पहले कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ हैमबर्गर के नाम से, एंड इसको इक्वल रखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि हमने आईडी ही लगाया हुआ हैमबर्गर के नाम से, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा हैमबर्गर। आईडी का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आपने कोटिंग के अंदर डालना है, ठीक है? ओके, अब इस हैमबर्गर को हमने क्लिक करवाना है, ठीक है? क्लिक पे नैव लिस्ट को शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इस हैमबर्गर के ऊपर इवेंट लगाएंगे डॉट एट इवेंट लिस्टनर, और ये जो इवेंट लिस्टनर है, ये जो मेथड है, ये क्या करेगा, दो पैरामीटर्स लेता है। एक हम इसमें डालेंगे इवेंट, मतलब जो भी करवाना है क्लिक वगैरह वो, और दूसरा पैरामीटर हम यहाँ पे डालेंगे एक एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बट उससे पहले इसको चेक करेंगे अदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पे मैं अलर्ट करवा देता हूँ, हाय H1। ओके, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके जब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे अलर्ट का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है? बट मुझे जो है वो नैव लिस्ट शो करवाना है, तो हम क्या करेंगे, index.html में पहले जो नैव लिस्ट है उसके अंदर एक आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे यूएल के अंदर मैं एक आईडी पास कर दूंगा लिस्ट के नाम से, एंड इसी तरीके से हम script.js में जाके const करके एक वेरिएबल बनाएंगे, और इस वेरिएबल को नाम दूंगा लिस्ट का, और इसको इक्वल रखेंगे html के डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, क्योंकि हमने अभी आईडी पास करा हुआ है लिस्ट का, तो यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट, ठीक है? अब हमने लिस्ट के अंदर क्या करना है, क्लास ऐड करवाना है, कौन सा, जो हमने style.css में मीडिया क्यूरीज के अंदर बनाया था नैव लिस्ट डैश एक्टिव का। तो सिंपल हम क्या करेंगे, script.js में लिस्ट वाले वेरिएबल को उठा के उसके अंदर करेंगे डॉट क्लास लिस्ट, और इसमें करेंगे टॉगल मतलब स्विच करवाना है, ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, तो डॉट टॉगल और टॉगल हम क्या करवाएंगे, कौन सा क्लास, नैव लिस्ट डैश एक्टिव, ठीक है? लेट्स गो टू ब्राउजर एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड जैसे ही मैं इस हैमबर्गर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे नैव लिंक्स जो है वो शो हो रहे हैं, बट ये स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ भी हम बना सकते हैं बाय गोइंग टू style.css मीडिया क्यूरीज के अंदर। आप नैव लिस्ट क्लास के अंदर यहाँ पे आप एक ट्रांजिशन पास कर सकते हो, 0.5 seconds इज एन आउट, सिंपल आपने करना है, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। जब भी हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से ट्रांजिशन हो के आ गए, गुड। अच्छा एक चीज, अगर मैं इस हैमबर्गर को जैसे क्लिक करूंगा और ये आ जाता है, दोबारा मुझे चाहिए क्रॉस वाला आइकन अगर चाहिए सपोज कर, तो वो कैसे कर सकते हैं, बट उससे पहले ओवरले का कर लेता है, तो जब भी ये लिंक्स शो होंगे तो पीछे ओवरले भी आना चाहिए। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने क्लास क्रिएट करा हुआ है ओवरले एक्टिव का, तो एक काम करेंगे script.js में जाके मैं पहले index.html में जाके यहाँ पे जो हमारा ओवरले हमने div बनाया था ना, यहाँ पे मैं एक आईडी पास कर दूंगा, और आईडी में ले लेता हूँ ओवरले के नाम से, एंड चलते हैं script.js में, इसी तरीके से वेरिएबल बनाना है, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे, एंड मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करके करूँगा ओवरले, एंड आपने जो भी आईडी दिया होगा ओवरले को ये वो यहाँ पे आपने पास करना है ओवरले, एंड लेट्स गो टू, अभी नहीं क्योंकि हम इसको स्विच भी करवाना है, तो सेम तरीके से होगा, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, लिस्ट के बजाय अब ये होगा क्या, ओवरले, और ओवरले का कौन सा क्लास है, ओवरले डैश एक्टिव, तो यहाँ पे हम क्लास चेंज करके करेंगे ओवरले डैश एक्टिव। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखें ओवरले भी आ रहा है, एंड हमारा जो नैव लिस्ट है वो भी हमें शो हो रहा है, परफेक्ट। तो बट थोड़ा सा इसमें भी ट्रांजिशन हो तो अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा, तो हम एक काम करेंगे style.css में जाके ओवरले एक्टिव में हम एक ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, एंड देन ट्रांजिशन हम लेंगे 0.5 seconds इज एन आउट का।
लेट्स गो टू ब्राउजर एंड दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे हैमबर्गर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ओवरले भी आ रहा है एंड फिर हमें नैव लिस्ट लिंक्स जो है वो शो हो रहा है। अच्छा अब लास्टली मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और नैव लिंक शो हो जाए तो यहाँ पे क्रॉस का आइकन आना चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं आपको फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में दिखाऊँ जो क्रॉस वाला आइकन है उसका क्लास क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट ऑसम, आइकन्स पे जाके यहाँ पे अगर मुझे चाहिए क्रॉस का आइकन, कैंसल का ये आई थिंक। अच्छा तो नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये वाला एक्स मार्क वाला ये आइकन है। तो इसका क्लास जरा देख लेते हैं क्या है इसका क्लास, तो वो हम फिर जावास्क्रिप्ट से ऐड करवाएंगे। तो अगर मैं आपको index.html में दिखाऊं तो जो हमारा हैमबर्गर का आइकन है यहाँ पे एफ ए सॉलिड लगा हुआ है और हैमबर्गर के लिए एफ ए बार्स लगा हुआ है इसमें क्लास। और यहाँ पे इस क्रॉस वाले आइकन में अगर देखें तो यहाँ पे एफ ए सॉलिड सेम क्लास लगा हुआ है बट जो दूसरा क्लास है वो है एफ ए एक्स मार्क। तो हम इस क्लास को चेंज करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम index.html में सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी पास करेंगे और आईडी में लूंगा आइकन के नाम से एंड लेट्स गो टू script.js ट्राई करके देख लेते हैं ये वर्क करेगा। कॉन्स्ट करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आइकन के नाम से और इसको इक्वल कर देता हूँ document.getElementById। और आईडी हमने क्या अभी पास करा हुआ है आइकन का एंड इस आइकन को हमने चेंज करवाना है। अच्छा इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा, इस ओवरले को मैं कर दूंगा आइकन। और क्लास हमने कौन सा ऐड करवाना है, मैंने अभी आपको क्लास दिखा दिया है ये वाला है एफ ए एक्स मार्क एफ ए डैश एक्स मार्क। तो यहाँ पे हम क्लास चेंज करके कर देंगे एफ ए डैश एक्स मार्क। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करते हैं एंड इसका स्क्रीन के साइज में कम कर देता हूँ एंड हैमबर्गर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखें आइकन चेंज हो चुका है क्रॉस में और ओवरले भी आ गया और नैव लिंक्स भी शो हो रहे हैं। दोबारा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें हैमबर्गर आ गया और चीज़ें ऐड हो गई। ठीक है तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, तो वर्किंग परफेक्टली फाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन। तो हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है जो कि हमने क्रिएट किया करा यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। तो ये रहा हमारा आज का पोर्टफोलियो वेबसाइट। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टिल देन बाय बाय।